दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती का डॉक्टर में रवि त्रिपाठी में। और दोस्तों अपने जैविक अभियान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहुंचा हूं ग्राम हैदरपुर डिस्ट्रिक्ट औरैया में और एक नए फसल पर अपना डेमोंस्ट्रेशन कराने के लिए। और ये डेमोंस्ट्रेशन जो भी हो रहा है वो हमारे इसी मिलेनियम स्टार महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा उपलब्ध कराया हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि खुद इन्हीं की कंपनी के द्वारा, खुद इनके चेयरमैनी के अंदर चल रहा है, या ऐसे कहें कि इनके दिशा निर्देशन में ही चल रहा है। तो उस प्रोडक्ट को इन्होंने जब लॉन्च किया है, जैसे इन्होंने क्रिकेट में झंडे गाड़े हैं, क्रिकेट में प्रदर्शन किया है, और उसी हिसाब से ये यहाँ भी किसानों के साथ मिलकर के किसानों की समस्या के लिए लड़ना चाह रहे हैं। तो उस लड़ाई में हम सब लोग शामिल हैं और इस शामिल होने की श्रृंखला में ही आज उसी प्रोडक्ट उपज वर्धक का एक स्प्रे हो रहा है, जो कि पेठा की फसल पर हो रहा है। पेठा लोग हम सभी लोगों ने पेठा तो खाया ही है, लेकिन पेठा वो कैसे पैदा होता है और किस तरीके के उसके पौधे होते हैं, उनसे आज मैं अवगत कराऊंगा। और इस डेमोंस्ट्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट के बारे में भी आज के 5 दिन बाद फिर एक बार हम मिलेंगे अपने इन किसान से जिनका ये खेत है, और उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस स्प्रे करने के बाद क्या प्राप्त किया है। तो दोस्तों देखिए, ये अभी स्प्रे चल रहा है और हमारे यहाँ किसान भाई भी खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान के आलू उत्पादक हैं और बहुत सारी फसल आलू की पैदा करते हैं। आइए इनसे भी मिलते हैं कि अभी तक इनको इस खेती करने से क्या लाभ मिल रहे हैं, क्या नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, या लागत ज़्यादा आ रही है। जी नमस्कार। जी नमस्ते भैया, नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ततारपुर। ततारपुर। शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम राजू सिंह। राजू सिंह, आप आलू उत्पादक ज़्यादा है। तो आलू की फसल में जो आप पैदा करते हैं, क्या लागत आपकी बढ़ जाती है? लागत तो खाद के वजह से महंगी आता ही है। महंगी आती है, तो उस महंगी लागत को कम करने के लिए आपने कुछ उपाय सोचे हैं? भाई ये तो नई टेक्नोलॉजी से सब हो रहा है काम भाई, तो वो नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले तो हम लोग भाई आगे बढ़े फिर। अच्छा अच्छा, मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। जानकारी देहात में इतनी कहाँ। हाँ, अभी तो आप केवल DAP यूरिया से ही संबंधित हैं और उसी से ही आप पूरा अपना उत्पादन दे रहे हैं। हाँ ठीक है जी, नमस्कार जी। तो अभी आपके सामने एक डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है, उसका रिजल्ट आप भी देखेंगे और आप खुद निर्णय लेंगे कि इससे क्या लाभ होने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्ते जी। और आइए मैं किसान, इस खेत के किसान मालिक से बात कराना चाहूँगा। जी विपिन जी नमस्कार। नमस्कार। आपके, आप पेठा के व्यापारी हैं? लोग तो कहते हैं बहुत बड़े व्यापारी हैं आप। अरे ठीक है, और कहाँ व्यापारी हैं आप? नहीं, लोग कहते हैं, हमने सुना है, लोग बताते हैं बहुत बड़े व्यापारी हैं आप। तो उस व्यापार की श्रृंखला में आप खुद ही पैदा कराते हैं अपना? हाँ बवादक हैं, और कहाँ है। और खरीदते बेचते भी हैं? हाँ दोनों। आपकी सप्लाई आगरा जाती है? हाँ आगरा का चारों तरफ, ग्वालियर वालिया दिल्ली सब जगह जाती है। हाँ। तो अभी पेठे में जो डेमोंस्ट्रेशन हम करा रहे हैं, इसका अगर रिजल्ट आता है तो क्या आप इस प्रोडक्ट को उपयोग करेंगे? सही आए रिजल्ट तो करेंगे उपयोग, और क्या है। देखिए हम आपको बता दें कि ये प्रोडक्ट हमारा यूरिया की जगह पर काम करेगा। अच्छा। जो आप यूरिया देते हैं, और यूरिया न देकर के अगर इसका स्प्रे करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाले हैं। अच्छा। तो आपकी यूरिया की खपत कम हो जाएगी, और जो जहर मुक्त खेती हो रही है उसमें लाभ मिलेगा। अच्छा ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा जो स्प्रे कर रहे हैं हमारे भाई, मैं इनसे भी, अरे सुनो भाई, मैं इनसे भी संपर्क कराता हूँ, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या नाम है इनका। ये भी किसान है, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शर्मा सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदरपुर निवासी। मोबाइल नंबर क्या है आपका? 7217607728। 28। तो हम अगर कोई बात इस नंबर से जानना चाहेंगे तो आप बताएंगे सही सही? बिल्कुल सर। अच्छा, तो अभी आप इसमें किस में स्प्रे कर रहे हैं? कुम्हेड़ा है सर। कुम्हेड़ा, यानी इसको पेठा जिससे बनता है। हाँ जी। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ जी। आपने भी बोया हुआ है? हाँ जी। आपको लागत कम करने के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे। चलिए ठीक है जी, आप करिए अपना काम। तो दोस्तों देखिए, ये एक नई फसल पर डेमोंस्ट्रेशन है और इसके रिजल्ट हम 5 दिन बाद आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।